हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 1 फ्रॉम योर ज्योग्राफी बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनवायरनमेंट. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो आपके चैप्टर के बिगनिंग में दे रखी है. ये कहानी है एक लड़के की, रवि की, जो बहुत दिनों की लंबी छुट्टियों के बाद अपने स्कूल गया. और स्कूल के पास की वो इकलौती ऐसी फील्ड, जो बहुत अच्छी हरी भरी फील्ड थी जहाँ पर कि वो खेला करता था, अब वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी. ये सुनकर रवि को बहुत बुरा लगता है और वो ऐसे ही उदास मन से असेंबली के लिए जाता है. और वहाँ पर उस दिन असेंबली में उसकी प्रिंसिपल मैम भी बताती हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बदल रहा है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस बात का दुख था कि इतनी अच्छी फील्ड को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. अब ये सुनकर रवि के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर एनवायरनमेंट है क्या. और असेंबली के बाद वो अपनी एसएसटी टीचर के पास जाता है और उनसे इस सवाल को करता है कि एनवायरनमेंट क्या है. उसकी टीचर उसको बताती हैं, जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है. ये सुनकर रवि कहता है, इसका मतलब ये टेबल, ये चेयर, मेरा बैग, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीजें भी क्या मेरा एनवायरनमेंट है. मैम कहती हैं कि हाँ, हर चीज हमारा एनवायरनमेंट है. अब लेकिन हर चीज के इस एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, यानी कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी हैं, अंग हैं इसके डिफरेंट. तो जिनमें की नेचुरल एनवायरनमेंट आता है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आता है, और हम भी, ह्यूमन भी एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का. चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो अगर हम बात करें व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स अस एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, एंड द फूड वी ईट, एंड द लैंड वेयर वी लिव, एंड व्हाटएवर वी सी इन आवर सराउंडिंग मेक्स द एनवायरनमेंट. जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो हमारे एनवायरनमेंट बनाती हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, स्कूल, कार, पार्क्स, न्यूज़पेपर, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, क्लोथ्स, बुक्स एंड सो ऑन. ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है. अब समझते हैं मीनिंग को एनवायरनमेंट के. सो एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच एवरी पर्सन, एनिमल और प्लांट इज लिविंग. एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट एक प्लेस कह सकते हैं या लोग, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. एनवायरनमेंट एक कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का, यानी कि नेचर के द्वारा जो चीजें हमें दी गई हैं उनका भी, और ह्यूमंस ने जो चीजें बनाई हैं उनका एक कॉम्बिनेशन जो है उसको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं. अब हम बात करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स की एनवायरनमेंट के. पहला कंपोनेंट है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि एवरीथिंग अराउंड अस दैट इज नेचुरल एंड नॉट मेड बाय ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. यानी कि हर वो चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई है, नेचर गिफ्टेड है, प्रकृति का गिफ्ट है, उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं. जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. अब हम बात करेंगे मैन मेड एनवायरनमेंट की. सो ये बहुत ईजी है, बचपन से आप इसको फर्स्ट सेकेंड क्लास से ही आप इसको पढ़ते चले आ रहे हैं. सो मैन मेड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स ऑल थिंग्स मेड बाई ह्यूमन बींग्स. जो भी चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट. अब बात करेंगे हमारे थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज ह्यूमन. सो इसमें इंक्लूड होती हैं हर वो वैल्यू, हर वो बिलीव्स जो कि ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स आर फॉलोइंग. जैसे कि अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, हर पर्सन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपने एक बिलीव्स होते हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं, और कई सारे लोगों से मिलकर एक फैमिली बनती है, कई सारी फैमिली से मिलकर एक कम्युनिटी जनरेट होती है. उस कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के भी लोग हो सकते हैं. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एजुकेशनल बिलीव्स क्या हैं लोगों के, या फिर किसी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ मोनार्की फॉलो की जा रही है, डेमोक्रेसी है, या फिर डिक्टेटरशिप है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है पर्टिकुलर कंट्री का, और इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है,
किस तरीके की इकोनॉमी कंडीशन कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है उस पर्टिकुलर कंट्री की, ये सब कुछ ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। अब हम बात करेंगे थ्रेट्स की, यानी क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं हमारे एनवायरनमेंट को। थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट मींस एनीथिंग दैट कैन डिस्टर्ब आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। जो चीजें हमारे हानि पहुंचाती है, डिस्टर्ब करती है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो वो है फॉर एग्जाम्पल मैन मेड थिंग्स, जैसे कि फ्यूम्स, पॉल्यूशन। देखिए कितना पॉल्यूशन होता है ट्रैफिक्स की वजह से, एंड इसकी वजह से जो भी लैंड जिस पर हम रह रहे हैं वो कितना ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। और ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें तो बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, इन सब से निकलने वाला धुआं भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब हम बात करेंगे बायोटेक और अबायोटेक की। बायोटेक की अगर हम बात करें तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑल द लिविंग थिंग्स ये बायोटेक में आते हैं, यानी कि जहाँ फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब कुछ बायोटिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। अब अबायोटिक की अगर बात करें तो द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी कि वो चीजें जिनमें निर्जीव चीजें जो होती हैं, जैसे कि रॉक्स, वाटर, एयर, सनलाइट, विंड, लैंड, सॉइल। तो आप अगर एक चीज आप नोटिस करें कि ये सारी चीजें जो है तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट ही, लेकिन इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक में और अबायोटिक में। यहाँ मैंने एक पिक्चर भी प्लेस की है जिससे चीजों को समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं हम बेटा नेचुरल एनवायरनमेंट की। सो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल्स मेक्स द नेचुरल एनवायरनमेंट। इन सब चीजों से मिलकर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बना है। अब आपको बता दूं कि हमारे एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, उसको सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। हर साल हमारे स्कूल में भी इसको मनाया गया था लास्ट ईयर, तो इस बार भी हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अब हम बात करेंगे डोमेन्स की एनवायरनमेंट के, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें, क्या क्या, किस तरीके से हम समझ सकते हैं एनवायरनमेंट को। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की अगर हम बात करें तो द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। जैसे कि सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। अगर हम जिस पर खड़े हैं ना, जिस पृथ्वी पर, जिसको कि रॉक्स, मिनरल्स और एक मिट्टी की एक सॉइल की एक लेयर से जो है बना हुआ है, इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। और अगर हम बात करें हाइड्रोस्फेयर की, तो हाइड्रा का मीनिंग हम सबको पता है क्या होता है, वाटर। सो द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस सच एज लेक्स, सीज, ओशंस, रिवर्स, ईटीसी, ये सब के सब हाइड्रोस्फेयर का एक पार्ट है। एंड इट इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स, lakes, oceans, seas and rivers, and hydrosphere is very essential for all living organism. Bina paani ke to survive jal hi jeevan hai, bachpan se hum sunte chale aa rahe hain. Ab third part hai hamara isme, that is atmosphere. Atmosphere ki agar hum baat kare to it is the thin layer of air that surrounds the earth, jo hamare charo taraf ek hawa ki jo layer hai usko hum atmosphere bolte hain. And it contains a number of gases, dust, water vapor, and as well as it shields us from the harmful rays of the sun. अब होता क्या है कि सूरज की किरणों के जो harmful effects हैं, उनसे भी हमें हमारा atmosphere जो है वो save करता है, हमें बचाता है। इसके अलावा there is a change in the weather and climate. If there is change in atmosphere में change होता है, तो climate और weather में automatically change हो जाता है। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक पेन ले लेती हूँ यहाँ पर, आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो है क्या, अगर हम बात करें लिथोस्फीयर की, अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, और अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो ये तीनों चीजें जहां पर आकर इकट्ठी होती है ना, तो वो चीज हमारी होती है बायोस्फीयर। इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो अब है क्या, आगे समझते हैं इस चीज को और आसानी से आपको क्लियर होंगी चीजें। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की।
कि इन चीजों से को मिलाकर ही हमारा जो है वो बायोस्फीयर बनता है। जैसे कि इट इज बायोस्फीयर इज द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सारी की सारी जो लिविंग चीजें होती हैं वो सब की सब बायोस्फीयर में आती है, क्योंकि बायो का मतलब ही होता है लाइफ। BIO बायो मींस लाइफ। सो बायोस्फीयर इज फॉर्म्ड विद द यूनियन ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। एंड प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, अर्थ एंड ह्यूमन लाइफ मेक्स द बायोस्फीयर ऑल्सो नोन एज द लिविंग वर्ल्ड, भी इसको हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसमें इस चीज को, डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट को बताने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। तो है क्या कि प्लांट्स, एनिमल्स, किंगडम टुगेदर मेक द बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये सारी चीजें हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो लाइफ के लिए सपोर्ट करता है, जिसकी लाइफ के लिए, तो वो बायोस्फीयर में ये चीजें आती है। एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि इंट्रैक्शन से हमें इन तीनों चीजों के हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इकोसिस्टम की। सो एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट, एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें जो हैं एक गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट, जैसे कि वेदर, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। ये सारी चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, और इस तरीके से इकोसिस्टम जो है वो वर्क करता है। सो ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो ऑन ईच अदर। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटेक, यानी कि लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, और अबायोटिक्स की, जैसे कि वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमोसफियर, या फिर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स किसी भी एरिया में होते हैं वहां के। और इसके अलावा ऑल द कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम जो है वो दे ऑल आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं थ्रू न्यूट्रिएंट साइकल्स एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड अदर मटेरियल्स के ट्रांसफर के लिए एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर की हेल्प से इसको बताने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। सो अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट ऑन डे टू डे बेसिस एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हम लोग जो होते हैं डे टू डे बेसिस पर एक चीजों पर, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, और या तो हम क्या करते हैं एनवायरनमेंट की को अपने ही अकॉर्डिंग, जिन चीजों से हमें बेनिफिट मिल रहा होता है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। और इसी मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी जो नीड्स हैं वो बढ़ रही हैं, एंड वी लर्न न्यू वेज टू फुलफिल आवर नीड्स। नए नई खोज कर रहे हैं हम चीजों के को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ह्यूमन डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट फॉर वेरियस रिसोर्सेज, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, मेटल्स, एनर्जी, एंड ह्यूमन चेंज एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई देयर एवर ग्रोइंग नीड्स। हम क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट को चेंज भी करने की कोशिश करें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हालांकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और वी लर्न टू ग्रो क्रॉप्स एंड क्रिएट अ सिस्टम वेयर इन ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, बार्टर सिस्टम था पुराने जमाने में, जब पैसे की नहीं थी, इन्वेंशन नहीं थी, रुपए से नहीं चीजें खरीदी जाती थी, तो चीज के बदले मान लीजिए मेरे खेत में चावल हुए, मुझे गेहूं की जरूरत है, तो मैंने अपने खेत के चावल आपको दे दिए और आपसे गेहूं खरीद लिए। इसके अलावा हम चीजों के इकट्ठा करने लगे अपनी डिमांड्स के को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हम नेचुरल मटेरियल पर तो डिपेंड करेंगे। हमको रॉक्स चाहिए, हमको वुड्स चाहिए, तो है क्या, वी मे लुक टू नेचर। जब हमें इन चीजों की जरूरत होती है, हम नेचर की कोई तरफ देखते हैं, यानी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है अपनी इन चीजों को पूरा करने के लिए। सो वी गेट रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स, हमें जो रॉक्स हैं वो माउंटेन से मिलती हैं, एंड वुड फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्रीज, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसीलिए गवर्नमेंट इतना अवेयरनेस फैलाती है इस चीज को लेकर, एनवायरमेंट के लिए या फिर पॉल्यूशन कम करने के लिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।